सच्चे ख्वाबों की पांच अलामात। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहली अलामत क्या होती है सच्चे ख्वाब की? सच्चा ख्वाब तहज्जुद के वक़्त आएगा। और इसी तरह सच्चा ख्वाब जो होता है एक मोमन आदमी को आता है, नेक बंदे को, ये भी इसकी अलामत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सबसे बड़े मोमन थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, बेदार हुए हैं, बताते हैं मुझे ये ख्वाब आया है। मोमन आदमी को सच्चा ख्वाब आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक और भी अलामत होती थी, जब ख्वाब नज़र आता था तो सुबह की तरह वो ज़ाहिर हो जाता था। जो बंदा यानी सच्चा ख्वाब जिसको आता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही ज़ाहिर हो जाता है, बशर्ते कि वो ख्वाब अच्छा हो। इसी तरह अच्छे ख्वाब की चौथी अलामत ये है कि उस बंदे को जब वो ख्वाब आएगा तो ख्वाब के बाद उसको खुशी महसूस होगी। पांचवा और सच्चा ख्वाब कौन सा है? जब बंदे को आएगा तो वो अच्छी चीज़ ख्वाब में देखेगा, जैसे खजूर का दरख्त नज़र आता है।